हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो आप भी ज़रूर बनाएं इस जन्माष्टमी अपने कान्हा जी के लिए धनिया की पंजीरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है और एक कटोरी पीसी चीनी ली है। ये हमने थोड़ा किशमिश लिया है, घिसा हुआ नारियल लिया है, मखाने लिए हैं और कटे हुए काजू बादाम लिए हैं और 2 इलायची लिया है। और ये हमने कटा हुआ छुहारा लिया है और ये थोड़े से गोंद लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे, तो इसमें हम थोड़े थोड़े गोंद करके डाल देंगे। इसको चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए, हमारे गोंद फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये बचे हुए गोंद को फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो लें, वरना ना लें। अब हम मखान लावा फ्राई कर लेंगे। हमारे मखाने भी हो चुके हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए मेवे को भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे मेवे भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब धनिया पाउडर को भून लेंगे। हमारे धनिया पाउडर का कलर भी चेंज हो चुका है, लगभग ये हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। धनिया पाउडर हल्का ठंडा हो गया है। अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें हम धनिया पाउडर को ऐड कर देंगे, चीनी को ऐड करेंगे। इसमें हम 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोंद ऐड करेंगे और मखान लावे भी ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मेवे जो फ्राई किए थे सब ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारी कान्हा जी की फेवरेट धनिया की पंजीरी बन के रेडी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।